हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सी स्टोरी। आप देख रहे होंगे एक पेड़, ध्यान से देखिए और इसके पीछे छुपी है एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये पेड़ मैं लेकर आई थी लगभग 2 महीना पहले, और ये है पिंक हिबिस्कस फ्लावर, जो मिनी फ्लावर आते हैं ना वो वाला। ये जब मैं पेड़ लेकर आई थी तो लगभग इसकी हाइट थी 4.5 फुट के आसपास, और जब आकर मैंने इसको घर पे रिपोर्ट किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई थी, पूरा भर गया था, पूरा कीचड़ वाला भर गया था। और उसके बाद ये प्लांट सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने सलीके से इसको किसी तरह से सीधा खड़ा किया और लगाया। मुझे 1% भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि ये चलेगा। 2 से 3 दिनों के बाद इसने अपनी सारी पत्तियाँ गिरा दी, तो इसकी जो खाली लंबी लंबी स्टिक्स थी वो मैंने सारी कटिंग कर दी। सारी आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी सी कटिंग की हुई है, पहले ये बहुत लंबी लंबी थी। उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे सर्वाइव कर गया, और ये प्लांट जो है जिसे आप देख रहे हैं, इसमें फिर से छोटी छोटी सी पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई। यहाँ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मैंने इसकी बहुत देखभाल की, काफ़ी दिन से उसको पानी नहीं दिया, अच्छे से इसका ध्यान रखा, धूप का ध्यान रखा, इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट कर दिया अपने टेरेस पर। फिर वहाँ इसने बहुत सारी ब्लूमिंग की, बहुत सारी कलियाँ आई। मैंने ये प्लांट 40 रुपये का परचेज किया था, और मुझे लग रहा था कि शायद मेरे 40 रुपये भी ख़राब हो गए हैं। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि इसको टेरेस पर रखे रखे पर भी इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगा यहाँ बहुत सोगी सा हो गया मिट्टी, अब ये यहाँ नहीं चलेगा, तो मैंने इसको अपर टेरेस पे शिफ्ट कर दिया। उसको मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा शॉक लग गया है ट्रांसप्लांट का, बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था, पूरा फिर से इसने सारी पत्तियाँ गिरा दी। मैंने इसको 40 रुपीज़ में परचेज़ किया था, मुझे लग रहा था कि मेरे पूरे पैसे बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ इसको देखकर, इसमें फिर से नई शूट्स आ गई हैं, और सच में ये एक ट्रू फ्रेंड की तरह मेरे साथ बना हुआ है। मैं यकीन से बता सकती हूँ आपको कि जैसे एक सच्चा फ्रेंड होता है ना, जो आपका साथ निभाता है, इसने इतने सारे कष्ट झेले, सच में इतना परेशान हुआ ये, मैंने इसको रिपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, ओवर वाटरिंग हो गई, लेकिन फिर भी ये बार बार बेचारा ठीक हो जाता था। और मैं बहुत खुश भी हूँ क्योंकि मैंने एक बीमार पेड़ की सेवा करके उसको अच्छे से कंपोस्ट देकर ठीक किया, आज वो पूरी तरह से हरा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अब वो इतना सिम्टम दिखा दिए हैं उसने, आगे भी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको ज़रूर उसकी अपडेट दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप मेरी वीडियो पर कमेंट भी करें, लाइक एंड शेयर भी करें। आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर हूँ, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आखिर तक